पर्सनल एक्सपीरियंस एक शेयर करता हूँ। ऑपरेशन गंगा नाम रखा था आपने, तो मैं पोलैंड में था। यूक्रेन से जिन लोगों को बचाया गया, एक कपल जो था उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो जब उन्होंने बोला कि जब ये बेटी जो पैदा हो रही है तो मैं इस बेटी का नाम गंगा रखूँगा, तो वो मुझे अभी याद आया। लेकिन मैं सवाल दरअसल चुनाव प्रचार को लेकर पूछूंगा कि पूरे चुनाव प्रचार में समाज में वोट के लिए दरार पैदा करने की कोशिश की गई कैसे। मैं अब जैसे राहुल गांधी का एक बयान आया, उन्होंने बोला है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ सिस्टम को मैं समझता हूँ, किसको अटैक करना है, किसको टारगेट करना है, मैं ही सिस्टम हूँ, और सिस्टम लोअर कास्ट के खिलाफ अलाइंड है। मुझे जो आपत्ति व्यक्तिगत तौर पर लगी, उन्होंने इस बार जुडिशियरी और मिलिट्री को भी नहीं छोड़ा, वो भी लोअर कास्ट के खिलाफ अलाइंड है। ये बयान जब आप सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है सर? मैंने जितना इस विषय में सोशल मीडिया में मेरी नज़र गई है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो उन्होंने अपने फैमिली का रिपोर्ट कार्ड रखा है ये, क्योंकि उनका ही परिवार 60 साल तक देश में सरकार चलाई है। तो ये जो कुछ भी बातें कर रहे हैं वो अपने फैमिली के सोच विचार आचार उसी की बात दुनिया को बता रहे हैं वो। तो एक प्रकार से तो अच्छी बात है, कम से कम उन्होंने दुनिया को बता दिया कि भाई हम ऐसे लोग हैं, अब आप बच के रहो। दूसरा विषय है जी, मैं देखता हूँ देश में राजनीति करने का कुछ सरल रास्ते जो लोगों ने खोजे हैं और जिसमें इंडी अलायंस के करीब करीब सभी पार्टियाँ फंसी हुई हैं या उनको वो शूट करता है, तीन चीजें प्रमुख रूप से उभर करके आती है। एक ये घोर सांप्रदायिक लोग हैं, सेक्युलरिज्म का चोला पहना है उन्होंने, बुरखा पहना है, लेकिन वो कॉम्युनल 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 ही है। वे उनके लिए हर चीज देखते ही कोई भी आइडिया आता है तो कॉम्युनल फ्रेम में ही आता है उनको, उसके बारे में उनको कुछ आता ही नहीं है। दूसरा ये घोर जातिवादी है, तीसरा वो एक घोर परिवारवादी है। ये तीन चीजें ये सभी कुनबे जो इकट्ठे हुए हैं इनके कॉमन है, उसमें कोई आप मैं कहता हूं उसको टिक मार करके देख लीजिए, आपको मिलेगा ऐसा ही है। और समस्या की जड़ यही है, और इसलिए ये आज नहीं पहले भी उन्होंने ऐसे ही कहा है और जब चाहे वो बदला है उन्होंने। आपको इंदिरा गांधी का भाषण मिलेगा जो उन्होंने जातिवाद के खिलाफ बहुत लंबे भाषण किए हैं, और उन्हीं के परिवार के लोग जातिवाद के ऊपर लंबे लंबे भाषण देते सुनाई दे रहे। मतलब कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं, जो मर्जी पड़े जब चाहे वो कुछ भी बोलो और भाग जाओ, दुनिया को गुमराह करो ले लो। तो मेरे जैसे व्यक्ति को जो सिद्धांतों को आदर्शों पर विचारों पर चलता है उसको जरा मेहनत ज़्यादा पड़ती है, और जिसको मेरा विरोध करना है उसके लिए भी सरल हो जाता है। ये तो बड़ा आइडियल है कह करके उसको कुछ भी विरोध करना बड़ा सरल हो जाता है। जी, राहुल गांधी से जुड़ा सर मैं एक और सवाल पूछूंगा कि ये बात देश में बहुत है कि ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, मोदी जी के खिलाफ ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं हो पाया। इसका एक बड़ा कारण ये भी कि ऑपोजिशन के जो नेता हैं जो कैंपेन लीड कर रहे हैं, एक तरह से राहुल गांधी हैं, 2 दशक से ज़्यादा राजनीति में हैं, पर एक कुछ लोगों का कहना है कि वो मच्योर उतना नहीं हो पाए, और कुछ लोग ये भी कहते हैं शायद राहुल गांधी सबसे बड़ा एक एसेट है बीजेपी का, क्योंकि वो ऐसा ऐसी अब बयान देते हैं कि आपको उससे और एमुनिशन मिलता है कांग्रेस को एक्सपोज करने के लिए। आपको लगता है राहुल गांधी की जो ये कमी है उसका देखिए, फायदा? मैंने अभी तक आपके आपके एक भी जवाब, एक भी प्रश्न का जवाब किसी व्यक्ति के संदर्भ में नहीं दिया है। आपने व्यक्तियों का नाम लिया है, मैं उससे परे होकर के बात करूंगा, और मुझे वो अब मेरी मर्यादाओं का पता है। तो मैं किसी के नाम का अपने उल्लेख किया इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं जनरल वे में आपको जवाब दूंगा। लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि एक बहुत ही मजबूत विपक्ष हो, बहुत ही सजग विपक्ष हो, और सरकार को तलवार की नोक पर चलने के लिए मजबूर करें, ऐसा विपक्ष होना ही चाहिए। और मुझे इस देश में टैलेंट की कमी नहीं लगती है,
इस देश में भरपूर टैलेंट है, उनको अवसर दिया जाए। मुझे लगता था कि 2014 से 2024 एक अच्छा विपक्ष मुझे मिलता। मेरे भी जीवन में कोई कहेगा क्या कमी है, तो अब अच्छे विपक्ष का अभाव है, मैं कमी महसूस करता हूँ, क्योंकि उनसे मुझे कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिल ही नहीं रहा है। मैं तो सोच रहा था इन लोगों ने 60 साल सरकार चलाई है तो मुझे सरकार चलाने में सुविधा होगी, मैं जाते आते पूछ लूँगा बेचारे बताइए क्या करना है क्या नहीं। प्रणब मुखर्जी साहब थे तब तक मुझे थोड़ा बेनिफिट होता था, वो अपने अनुभव मुझसे शेयर करते थे, लेकिन बाकी मुझे वो बेनिफिट मिला ही नहीं। तो मुझे खुद को ही, मेरी पार्टी के जो अनुभवी लोग थे उनसे जो मदद मिली, उन्हीं से मुझे अपनी दुनिया खड़ी करनी पड़ी। और मुझे गुजरात का बड़ा मेरा अनुभव था, वो मेरे काम आया। विपक्ष किसी भी प्रकार से काम नहीं आया, और नकारात्मकता इतनी कि देश हित के अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय जो कभी उनकी खुद की पार्टी के मैनिफेस्टो में है, वही आज उनको पॉलिटिकली बेनिफिट लेने के लिए उसे उल्टा करना, ये चीज मैं समझता हूं कि चिंताजनक है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत जैसे लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, सक्रिय विपक्ष होना चाहिए, और बहुत ही वेल ट्रेड वेल इन्फॉर्म विपक्ष होना चाहिए। इसका लाभ होता है जी। मैं गुजरात में था सीएम, मेरे यहाँ विपक्ष में जो लोग थे, लेकिन सभी एक सीएम वगैरह बैठते थे तो उसका एक दबदबा रहता था जी, और उसका लाभ होता था। हाउस में ट्रेजरी बेंच के लोग भी इधर उधर होते नहीं थे जी, उसका बेनिफिट होता था। अभी तो हालत ऐसी नहीं है जी, मेरे दिल में एक दर्द है ये।